प्यार नमस्ते कैसे हो आप लोग आज मैं बैठी हूँ साथ तीन चार दिन से गलत हो रहा है मेरे छोटे ससुर और चंद्र सिंह के द्वारा लाया गया भरत सिंह मेरे घर में मारपीट बलात्कार के लिए और ये नारी क्या करूं मेरा घर अकेला है ये मिलजुल के मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे किस लिए जीऊँ मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं पटवारी से न्याय मिलेगा तो घर जाऊँगी पटवारी से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लूँगी मैं आज दो तारीख पहुंच गई हूं अपने घर में और जैसे मैं उस दिन गई थी मेरे घर में सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा है तवा चूल्हे में है कढ़ाई है आधा गूंदा आटा है ये सब वैसे ही पड़ा हेलो दगड़ियों राम राम जय बद्री विशाल मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ मैं सब ठीक होंगे राजी खुशी होंगे कुशल मंगल होंगे और मैं तो क्या कहूँ मेरे साथ जो घटना घटी छब्बीस तारीख अट्ठाईस तारीख मैं कुछ कह नहीं सकती और तब से मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाई तो छब्बीस तारीख को मेरे घर में मिली जुली साजिश थी और मेरा मर्डर करने एवं बलात्कार करने का प्लान किया गया था जिसमें मैं अपने घर छोड़ के गाँव में भाग गई और 28 तारीख सुबह मेरे घर में आटा गूँदा पड़ा है तवा चुल्हे में है सब्जी वैसे पड़ी है दूध की बाल्टी वैसे पड़ी है मेरे सर में लाठी से नाक में लाठी से मार दिया गया जिस वजह से मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाई और आज है दो तारीख तो आज आई मैं घर घर में तो जो जैसा पड़ा था वो वैसे ही पड़ा था और अभी जा रही हूँ मैं गौशाला गौशाला में क्या हो रहा है मेरी गायें मरी हैं या बची हैं ये दिखाऊंगी मैं आपको तो आप लोग मेरे साथ बने रहें एक दिन तो मैं 28 तारीख जब मैं गई बारह बजे पहुँची मैं पटवारी चौकी पंती में तो उस दिन मेरी एफ दर्ज नहीं की गई और उस दिन मतलब कभी इधर भगा रहे कभी उधर भगा रहे तो रात के आठ बजे नौ बजे दर्द हुआ फिर वहाँ से पंती से अकेले हम पंतिया नारायण बागाड़ आए कहाँ जाते और दूसरे दिन वहाँ से मुझे हॉस्पिटल ले गई कर्ण प्रयाग में तो दूसरा दिन तीसरा दिन मेरा करणप्रयाग ही बीता हॉस्पिटल में जब मैंने पटवारी से कहा मेरी एफआर आई कि कॉफ़ी मुझे दो तो पटवारी ने एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन पे टाल दिया जब तीसरे दिन भी मुझे नहीं मिला तो मैं सीधे थराली गई दारू पी पी कर दूसरे के घर पे आना और कहना मैं तेरा खात्मा कर दूंगा तेरे घर में रुकूँगा और मेरे चाचा लोग मुझे कहेंगे तो मैं तुझे यहीं पे समाप्त कर दूंगा मतलब जब किसी ने उसको बताया होगा हम तेरे साथ हैं ये सब तू तो कर तो तभी दूसरा आदमी कह सकता है दूसरे गांव का मुझे कहने का क्या मतलब उसका ना तो मैंने उसका कुछ देना है ना मेरा उससे कुछ लेन है ना तो मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है और वो तो भगवान जाने तो अभी तो मैं हूँ अपने दो तारीख है अपने घर में उधर घूमू मैं अपने गौशाले के बगल में और मेरी गाय मारी है जिंदा है मुझे कुछ पता नहीं तीन गायें थी मेरी यहाँ जिनको मैंने नया ला रखा था तो वो तो कह दिया था मैंने कि तुम ले जाओ और इसका क्या हाल है मरा है जिंदा है ये एक ही है दो वो ले गए शायद भगवान जाने ले गए कहाँ गए मुझे भी कुछ नहीं पता मैंने बोल रखा था ले जाना और एक है ये तो कितने दिन से प्यासी है भूखी है अट्ठाईस तारीख से आज है दो तारीख और बिना पानी के बिना घास के बंदी है अब भगवान जाने मेरी मैं भी क्या करती मुझ मैं भी जिस हाल में भागी वो मुझे ही पता अपनी जान बचाते हुए जा रही हूँ अभी पानी के लिए क्योंकि मेरी गाय उतने दिन से बिना पानी की है तो उसको थोड़ा पानी दिखाएंगे या मरेगी बचेगी उसका तो मुझे कुछ पता नहीं पानी दिखाऊंगी एक बार उसको तो इस गांव में कैसे लोग होंगे मेरी गाय को मतलब ना एक मुट्ठी घास दिया किसी ने ना एक बूंद पानी पिलाया इतने दिन से बिल्कुल प्यासी है भूखी है तो सोचो लोग कैसे होंगे यहाँ के जो मतलब इंसानों के साथ तो क्या न्याय करेंगे जानवरों के साथ भी न्याय नहीं कर सके तो भगवान भी उन्हें माफ़ नहीं करेगा और डर के मारे से उन्होंने किसी ने भी मेरी गाय को पानी नहीं पिलाया ना तो घास उतने दिन से मतलब मैं हॉस्पिटल में रही कभी थराली गई कभी कहीं गई तो डर के मारे उन लोगों ने मेरी गाय को एक घूट पानी भी नहीं पिलाया और ना तो एक मुठ्ठी घास दी तो सोचो ये बड़ा सोचने का विषय है भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और अगर किसी के साथ होगा भी तो मैं मतलब वो पशु है उसने क्या बिगाड़ा है किसी का घास पानी पिलाना तो हमारा फर्ज होता है सुख दुख पर हमारे गांव में ऐसे लोग नहीं हैं बाहर से कुछ और दिखते हैं अंदर से ये लोग कुछ और होते हैं सातिर तो क्या कहूँ मैं इस गांव के बारे में यहाँ के लोगों के बारे में कोई फ़ोन करके धमकाता है गाली गलौज करता है ये नहीं कि एक अकेली औरत का साथ दो साथ देना तो बहुत दूर की बात है ये देख रहे हैं कि वो मरी है जिंदा है ये पीछे से देखने हैं उल्टा फ़ोन कर रहे हैं गाली गलौज कर रहे हैं मतलब इनको लगता है कि मैं इनको बेवकूफ़ नजर आ रही हूँ और मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा इन सब लोगों का ये प्लान था जितने लोग भी इसमें शामिल हैं तो भगवान उनको इंसान नहीं दे पाएगा सजा तो भगवान तो जरूर देगा और मेरी भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हे प्रभु जिसने ये साथी चाल नहीं खेली जो मेरे प्रति बुरा नहीं सोचता उसको कुछ ना हो और जो मेरे प्रति क्या किसी के प्रति भी ऐसी साजिश चाल चलता है और एक अकेली औरत होने का फ़ायदा उठाता है तो भगवान उनके साथ भी ऐसा ही करे ताकि उनके अपनों के साथ भी ऐसा करे वो भी ज़िंदगी में मेरी तरह रोए तो पता चले जो हमारी पटवारी हैं रीता बिष्ट मैं इसके पास कितनी बार गई और इसने मुझे एफ आर आई की कॉफ़ी नहीं दी और ये चाहती थी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो क्यों मतलब ये नहीं थी कोई और था तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और इस बार भी ये कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में थी ये चाहती थी कि मतलब एक बेसहारा औरतें हैं ऐसे ही मार खाती रहें गांव के गुंडे उन्हें ऐसे ही मारते रहें और हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहें और मैंने ऐसा होना ही नहीं दिया और ना मैं होने दूँगी और ये मतलब कल मुझे मतलब ऐसे गुस्से से भगा रही थी कि बैठ यहाँ पे तेरा बयान होगा जिस दिन मैंने एफ आर आई दर्ज किया उसी दिन मैंने बयान दे दिया था कि ये सब हुआ है मेरे साथ तो इसने टाल दिया और ना मुझे ये दिया और आज मैं अपने घर में हूँ मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले और जब मैं अपने गांव में रात में गई और प्रधान के पास गई गांव के अध्यक्ष के पास गई कि चलो मेरे घर में कोई ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप चलो तो गांव वाले जब तक आते तब तक वो मेरे पीछे गांव में आ गया फिर और अगले दिन जब बैठक बुलाई गई तो ये ये लोग नहीं आए फिर उसके अगले दिन आठ बजे मेरे साथ फिर घटना घट गट गई कोई अचानक से मुझे गाली गलौज करने लगता है और मेरे सर में लाठी मारने लगता है वो मैं ऊँचाई पे थी तो इसलिए मेरे नाक में लगी सर में नहीं लगी मुझे समझ ही नहीं आया फिर मैं गांव में भागी न्याय मांगने के लिए तो इस गांव वालों ने कहा कि हम तुम्हें तो क्या न्याय देंगे आप आगे जा सकते हैं तो मैं आगे गई पटवारी जी के पास और मैं पटवारी जी के पास नहीं जा रही थी मैं आत्महत्या करने जा रही थी कि मैं मतलब मेरे साथ मेरे साथ कोई नहीं है मैं अकेली कहाँ जाऊँ तो तब तक भगवान बन के विष्ट जी आए और उन्होंने कहा तुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं मैं तेरा साथ दूंगा और हमेशा दूंगा और वो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं जब भी मुझे कुछ भी होता तो वो सीधे मेरे साथ खड़े हो जाते हैं एक भाई की तरह एक बाप की तरह एक बहन की तरह एक बेटी की तरह एक बेटे की तरह वो मेरे साथ हर रिश्ता निभाते हैं तो लोग ऐसे रिश्ते को गंदी निगाह से क्यों देखते हैं जब किसी मतलब अबला नारी का कोई साथ देता है तो लोग सीधे उसे गलत समझते हैं हाँ आप लोगों को जो समझना समझ लो वो मेरा सब है खुदा है जैसे आप लोग उसे भगवान पूछते हो ना तो मैं मेरा भी वो एक भगवान है और हमेशा रहेगा और जो भी मेरे साथ मतलब गलत करने की सोचेगा तो वो मेरे आगे खड़े हो जाते हैं और मैं बैठी हूँ अपने गौशाले में अपने गाय को मैंने अभी तक पानी पिलाया घास दे रखा है इतने दिन से भूखे प्यासी दो गायें तो ले गए चूल्हा वाले और एक ही है वो बाछी है चार पाँच साल की तो उसको कौन ले जाता वो दूध तो देती नहीं बिना पानी की बिना घास की भूखे प्यासे है गौशाले में बंधी तो मैंने अभी उसको घास और पानी दिया क्या करूँ मेरी भी मजबूरी थी क्योंकि मैं घर आती तो जब तक मेरा केस दर्ज नहीं हुआ घर आती तो मुझे फिर डर था कि कोई मुझे मार ना दे और मेरे बच्चों को ऐसे भ्रमित कर रखा है इतने दिनों में कि मेरे बच्चे मतलब मेरे नहीं हुए अब जिसके बच्चे अपनी माँ के नहीं हुए तो वो दूसरे के क्या होंगे उन्हीं लोग मेरे दुश्मनों के साथ खड़े हैं उनको मतलब वो बच्चे हैं उनको उनका ब्रेन वॉच कर रहे हैं उनके नाम से मतलब अपना फ़ायदा उठा रहे हैं तो भगवान जाने और भगवान देखेगा कल भगवान ना करे उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो उनके साथ भी मेरे जैसा हो तो मैं इससे आगे क्या कहूँगी फिर इतने दिनों बाद ब्लॉग बनाई और अभी मतलब मन भी नहीं था फिर मैंने कहा बनाना भी बहुत ज़रूरी है मैं इतने दिन से कहाँ हूँ क्या हूँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को भी पता चले कि एक अवला नारी एक बेसहारा औरत के साथ ये लोग ऐसा दुराचार क्यों करते हैं और दारू पी के दूसरे के घर में घुस के ऐसा क्यों सोचते हैं कल को आपकी भी बेटी होगी आपकी भी बहन होगी आपकी बहु पत्नी होगी तो ऐसा किसी के साथ भी ना करें करेंगे तो आगे बढ़िए अपने लिए मेरी तरह जी। या तो मिट जाओ या तो दुश्मनों के कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए ये मेरा नाक फूट रखा था अट्ठाईस तारीख से आज दो तारीख हो गई तो ये थोड़ा ठीक भी हो गया दवाई दारों की वजह से और मैं फिर से ब्लॉग बनाऊंगी अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा क्या पता मतलब लोग क्या प्लान करके बैठे हैं मुझे कुछ नहीं पता तो ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे इन लोगों को मुझसे परेशानी क्यों हो रही है मैं ये भी बता दूँगी ये लोग चाहते थे कि ये खाए ना जिए ना और ये कुछ ना ब्लॉग बनाए असली तो बात झगड़ा की बात यह है कि मैं ब्लॉग बना रही थी तो इस मेरे ब्लॉग बनाने से बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं ब्लॉग क्यों बनाती हूँ इसे मतलब मर जाना चाहिए था ना तो इसे ब्लॉग बनाना चाहिए था और ये हमारा कहना नहीं मानती है जैसा हम कहते वैसा ही अगर ये करती तो वो खुश रहते अरे मैंने ज़िंदगी भर ऐसा सीखा नहीं कि मैं किसी के उस पे चलूँ मैं हमेशा से अपने बलबूते पे चलती हूँ अपने मर्ज़ी से चलती हूँ जैसा मेरा जी करता वैसा मैं करती हूँ मैं औरों की तरह नहीं जीना चाहती मैं अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना चाहती हूँ तो इन लोगों को मुझसे यही परेशानी है इसलिए ये मेरे दुश्मन बने हैं और ये चाहते हैं कि ये नहीं रहती तो कितना अच्छा होता और पंती पटवारी चौकी में रीता बिष्ट पटवारी हैं और ये भी मुझे कल धमका रही थी जब मैं इसके पास गया गई कि मुझे मेरी एफ की कॉपी दो तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में मुझे धमका रही थी कि मतलब ये चाहती थी कि इसका साथ कोई ना दो और जिसका कोई नहीं होता तो कहते हैं उसका ऊपर वाला होता है तो भगवान जी ने भी मुझे ऐसा ही एक साथी दिया है जो हर टाइम मेरे साथ रहता है और मुझे कभी मतलब गिरने नहीं देता कभी मुझे मरने नहीं देता अगर ये ना होते मेरे जीवन में तो 28 तारीख को शायद मैं आत्महत्या कर लेती और दूसरे हैं पंथी में कोई ग्रीस चंद्र ओली वो भी कह रहे थे कि अगर मैं होता पटवारी चौकी में उस समय तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करवा देता आप केस मत लड़ो और मुझे समझा रहा था केस नहीं लड़ो और आप समझौता कर लो तो मैं नहीं मानी क्योंकि मैं बार बार कॉम्प्रोमाइज़ और नहीं कर सकती मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ नहीं अगर कोई भी औरत और अकेली है तो लोग उसको गिराने और मरने के लिए मजबूर कर देते हैं मैं चाहती हूँ कि, कि किसी भी असहाय औरत को के साथ ऐसा ना हो कि उसे आत्महत्या करनी पड़े और लोग यही चाहते हैं वो मर जाए अगर मेरे खेतों में खेत बंजर पड़े हैं तो हल कोई नहीं लगा देगा मेरे खेत में अगर पगार टूटे हैं तो कोई उसको नहीं बना देगा मेरे पास कुदाल का बीन नहीं होगा तो कोई एक कुदाल का बीन नहीं देगा लेकिन मैं अपने ज़िंदगी जीने लगी खाने लगी अपना सब कुछ संभालने लगी तो इस बात से बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है तो इसलिए लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं जलते हैं कि क्योंकि मैं चौबीस चौबीसों घंटा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ और अपनी हर चीज़ दिल की बात फेसबुक से इंस्टा से यही आईडी है मेरी भागीरथी रावत उत्तराखंडी उत्तराखंड आप फेसबुक में जाओ इंस्टा में जाओ और यूट्यूब में तो है ही है भागीरथी रावत उत्तराखंडी तो ऐसे लोग, लोग भी होते हैं और आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं अपने लिए जी रही हूँ अपने लिए लाडी हूँ क्या ये गलत है कि नहीं